मंजन चाय पत्ती कॉफी ये सब मिला के 2000 रुपए सामान तो लग ही जाता है आसपास। ये 2000 रुपए का सामान अगर आप बाजार से लेने जाते हो, किसी शॉप से लेने जाते हो, तो शॉपकीपर क्या करता है, 2000 के बदले आपको 2000 रुपए का एमआरपी का प्रोडक्ट दे देता है। सही बात है, और आपको बोलता है थैंक यू वेरी मच भैया, दोबारा फिर आइएगा। आप सही करते हैं, आपकी शॉप पे भी यही करते होंगे, भैया दोबारा फिर आइएगा। अच्छा प्रोडक्ट देते हो, एमआरपी देख के देते हैं आप, जैसे जैसे एमआरपी लिखी होती वैसे वैसे रुपये दे जाते हैं। लास्ट में आगे कहा टॉपिक पकड़ा दी, पकड़ा दी, राउंड फिगर में एक रुपए कम कर दिए, कम कर दिए, अदरवाइज तो 2000 रुपए अपने लिए और 2000 का सामान आपने दिया। यही होगा सर, ये होता चला रहा है। आइए, अगर आप ये 2000 रुपए का सामान मोदी केयर से लेते हैं तो क्या होता है, मोदी केयर कहता है आप अगर हमें 2000 रुपए देंगे और 2000 का सामान अपना घरेलू सामान आप मोदी केयर से लेंगे, फोटो खींच लेना, दो हजार सामान अगर मोदी केयर से लेंगे तो हम आपको देंगे 2300 एमआरपी का सामान, यानी कि 15% डिस्काउंट हो गया आपका इमीडिएट, एमआरपी से 15% डिस्काउंट आपका इमीडिएट हो गया। इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और अपनी बैंक पासबुक, ये तीन चीजें हमें देनी होंगी। आपको हम रजिस्टर कर देंगे कंपनी के साथ में, आप चाहे हमें दे दें चाहे नेट खोलते खुद ही रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप, मोदी के साथ भी अपने आपको एक रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाए, मोदी के रजिस्टर्ड कंसल्टेंट बन जाए आप, तो आपको क्या मिलेगा सर, 2000 रुपए में 2300 रुपए का आपको सामान मिलेगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा, कंपनी कहती है अगर आप 2000 का सामान हमसे एक साथ लेते हैं तो 2000 रुपए पे हम आपको 200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री देंगे। दो हजार का सामान आपने हमसे लिया, हमने आपको 2300 एमआरपी का सामान दिया, साथ ही साथ में हमने 200 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। इसके अलावा जिस तरह से आपके घर पे गैस सिलेंडर आता है 650 रुपए का, 150 रुपए कहाँ आते हैं, अकाउंट में आ जाते हैं, सब्सिडी मिल जाती है, उसी तरह से मोदी केयर कहता है कि हम आपको 3.5 रुपए से लेकर 11 रुपए तक सब्सिडी देंगे, कैश बैक देंगे। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 3.5 से 11 रुपए का पहुंचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2000 में 2300 एमआरपी का सामान दिया, 200 रुपए का फ्री प्रोडक्ट दिया, तकरीबन तकरीबन 3.5 रुपए मान लीजिए स्टार्टिंग में 70 रुपए हो गए, 100 पे 3.5 यानी 2000 पे 70, 70 रुपए आपको कैश बैक दिया गया। यहां क्या मिला आपको 2570, यहां क्या मिला सर, एक पॉलिथीन, यहां आपको 2000 रुपए दिए, 2000 सामान मिला, बदले मिला पॉलिथीन, यहां पर आपने 2000 रुपए दिए, आपको 2570 रुपए का सामान मिला। ये 570 रुपए कहां से आकर शुरुआत की आप करो, मैंने बताया था रिटेलर, होलसेलर, C&F, एडिंग, मैंने बताया था आपको ये 570 रुपए वहीं से आए। अभी और भी कुछ आएगा, अब यहां समझिए, अब मान लीजिए आपने सर मोदी केयर से सामान खरीदा, 2000 रुपए दिए, 2570 रुपए आपको मिले, यानी 570 का आपको प्रॉफिट हो गया, जनरली 570 का प्रॉफिट आपको हो गया, क्लियर है। अब क्या आप दो दोस्त, दो पड़ोसी, दो रिश्तेदारों को जानते हैं जो जिंदा हो या मुंह से सांस लेते हैं? अगर आप दो दोस्त, दो पड़ोसी, दो रिश्तेदारों को जानते हैं जो जिंदा है और मुंह से सांस लेते हैं, तो सर आपको करना क्या है, उनको सिर्फ शेयर करना है कि भाई साहब भाभी जी मैं अपने घर का सामान मोदी केयर से लेके आता हूं, मुझे 2000 रुपए सामान देने पे 2570 रुपए मिल जाते हैं, सामान इंटरनेशनल क्वालिटी का है, इंडियन प्राइस पे उपलब्ध है, क्यों ना आप भी अपने घर की परचेजिंग मेरी तरह ही मोदी केयर से करना शुरू कर दें। यहां तक कोई अंग्रेजी बात है, कोई गलत बात तो नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, कह सकते हैं आप लोग मुंह खोल सकते हैं, अगर आपने इतना मुंह खोल दिया तो सर होगा क्या, इनको 570 रुपए का फायदा मिलेगा जिस तरह से आपको मिला था, सहमत है मेरी बात से, लेकिन आपको 240 रुपए अलग से मिल जाएंगे, कंपनी आपको 240 रुपए सिर्फ इस बात के दे देगी कि 6 लोगों को आपने मोदी केयर की तरफ उंगली दिखा दी, सिर्फ उंगली दिखाई है आपने कि आप आवास विकास में इसका शोरूम बना हुआ है, वहां से जाके अपनी परचेजिंग कर लीजिए, इस बात के चक्कर में 240 रुपए आपको मिल गए।
अब जाहिर सी बात है ये छह लोग भी अपने दो दो लोगों को जानते ही होंगे और इन छह लोगों ने भी दो दोस्त दो पड़ोसी दो रिश्तेदारों के पास पहुंचा दी। 570 इनको मिल गया, 240 इनको मिल गया और आपको क्या मिला 2000 रुपए। आपने सामान कितने का लिया था? 2000 रुपए का। आपकी टीम में सिर्फ और सिर्फ जो है 6 और 36 42 लोग हो गए हैं और आज आपके पास में 2000 रुपए का सामान फ्री मिल गया, 2000 रुपए का चेक मिल गया, यानी कि आपके घर का सामान फ्री हो गया। आपने पूरे नेटवर्क के माध्यम से सिर्फ 42 लोगों को मोडिकेयर से कनेक्ट कर लिया। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम, आपके पास में 2000 रुपए का फ्री हो गया। सहमत हो मेरी बात से आप? अब जिन लोगों को आपने शुरुआत में बताया था, जो आपके दो दोस्त दो पड़ोसी दो रिश्तेदार थे, क्या ये आपसे नहीं कहेंगे कि मेरे घर का सामान फ्री कराओ? कहेंगे ना, क्योंकि जब आप इनसे मिलोगे और इनसे कहोगे मेरे घर का सामान फ्री हो गया है, तो ये लोग आपसे कहेंगे सर मेरे घर का सामान भी फ्री कराइए। आप कहोगे सर बिल्कुल कराते हैं, आइए हम और आप सब लोग मिलकर जो है आपके लोगों से मिलते हैं। इन 36 लोगों के दो दोस्त दो पड़ोसी दो रिश्तेदारों से मिले, 570 यहां आया, 240 यहां आया, इनके घर का सामान फ्री हो गया और आपके पास रुपया आया 20,000 के पास आ गया। मुझे लगता है रहमान साहब कहां पर? रहमान साहब बैठे हुए। 20,000 सर आ जाएगा, आपको कंफर्टेबल थोड़ा लगेगा, थोड़ी जिंदगी दाजी सुखी हो जाएगी, पहले से 20,000 रुपए आ जाएंगे तो अच्छा लगना लगेगा, जिंदगी में कुछ रोमांच आ रहा पैदा शुरू हो जाएगा, एक कदम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। 216 × 6 570 इनको, 240 इनको, 2000 इनको, 20,000 आपको जिन्होंने जोड़ा था, जिनको आपने जोड़ा था, और आपके पास इनकम आएगी 2,00,000 रुपए पर मंथ। याद है कितने लोग हो गए? 216 1296, कुछ 1505 लोग रहते हैं आसपास। आपकी पूरी टीम में जिस दिन 1500 लोग हो जाएंगे और ये 1500 लोग मोडिकेयर से अपने घर की परचेजिंग करेंगे, उस समय आपके पास जो इनकम आएगी वो आएगी 2,00,000 रुपए पर मंथ। और 2,00,000 रुपए पर मंथ जिस महीने आ जाएगा, 2,00,000 रुपए जिस महीने पर मंथ आपके पास इनकम आ जाएगी, उस दिन आप अपने आप में अलग हो जाओगे, फिर आप मैंगो मैन नहीं रह जाओगे। अब मैं बात करता हूं आपने, क्योंकि आपके पास में एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है कि किसी ने करके दिखाया आपको, बताओ। आज से 20 महीने पहले मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। 20 महीने पहले जो मेरी पहली चेक आई थी वो आई थी 750 रुपए की, दूसरी चेक मेरी आई थी 3,000 रुपए की, तीसरी चेक मेरी आई थी 7,500 रुपए की, चौथी चेक मेरी थी 18,000 रुपए की, पांचवी चेक थी मेरी 35,000 रुपए की, छठी चेक थी 65,000 रुपए की, इसके बाद 10वीं या 11वीं चेक मेरी थी 1,11,000 रुपए की, और अभी परसों मेरी चेक आई है 1,35,000 रुपए, 1,35,000 रुपीज पर मंथ। इज इट एन इजी टास्क? नाव ऐसी जगह में अपने घर का नाश्ता करता हूं, दोपहर का खाना अपने घर में खाता हूं, रात का डिनर अपने घर में करता हूं, बीवी बच्चों के साथ रहता हूं, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, होने के लिए कुछ भी नहीं है, और 1,35,000 रुपए थोड़ा नहीं होता। 1,35,000 रुपए जब आते हैं तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ जाते हैं। इस 20 महीनों के सफर में अपनी पत्नी और परिवार के संग में 3 बार मैं 5-स्टार रेटिंग कर चुका हूं कंपनी की तरफ से, 1 बार मैं इंटरनेशनल टूर होके आ चुका हूं और दूसरी बार पत्नी के संग में दुबई जा रहा हूं। ये सब 20 महीने में हुआ। ये सब कुछ संभव है जो मेरे साथ में है वो आपके संग में, क्योंकि अगर आपके सामने अगर 40+ का आदमी कर सकता है तो आप सब 20 और 30 के बीच में हो, सब 30 के बीच में 20-30 के बीच में हो। आपके अंदर जोश ज्यादा है, आपके अंदर जुनून ज्यादा है, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है, आप मुझसे ज्यादा दौड़ सकते हो, लाइबिलिटीज का लोड भी आपके ऊपर बहुत कम है। आप मैंने 20 महीने में 1,35,000 पहुंचाया है, आप सर 2 साल के अंदर हो सकता है 2,00,000 पहुंचा दो, हो सकता है 3,00,000 पहुंचा दो, क्योंकि मोदी केयर में अगर आप आ जाते हो तो पैसा प्रॉब्लम नहीं रहती है, आप पैसे के लिए काम नहीं करते हो, पैसा आपके लिए काम करता है। ये लेडी है ऑलरेडी सुरेखा भार्गव जी, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं। इस लेडी ने मोदी केयर को ज्वाइन किया था आज से 21 साल पहले, इनके सामने भी सारी चीजें बताया गया, उस समय इतने अच्छे डेमोज नहीं थे, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं थे, इतने अच्छे लीडर्स नहीं थे। इस लेडी ने 21 साल पहले सिस्टम पे भरोसा किया था। आज की तारीख में द लेडी इज अर्निंग 60 लाख रुपीज पर मंथ, 60 लाख रुपए पर मंथ। आपको अपने घरों में जाकर देखिए, जाकर आप लोगों के अकाउंट में 60,000 रुपए उन्होंने मुश्किल पड़ जाएगा।
और ये 60 लाख तक महीने कमाते हैं रेडी। और सर चार्टर्ड प्लेन उनके पास है, न जाने कितने बीचेस पे इनके बंगलो है, न जाने कितने फॉर्म हाउसेस है। भरोसा करना पड़ेगा सर आपको, विश्वास करना पड़ेगा। तरुण बजाज रेडीमेड गार्मेंट्स का बहुत बड़ा शोरूम था, इसने भरोसा किया मोदी के पे, आज की तारीख 10 से 12 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, करीब 4 साल इनको हो गया है। राजेश कुमार यादव 7 से 8 साल इनको हो चुके हैं मोदी के पे, एक गरीब किसान के बेटे थे, भरोसा किया मोदी के पे, इस सिस्टम को डेवलप किया, इस नेटवर्क को डेवलप किया, 8 से 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर पैसा हो तो सकल कैसी भी हो बीवी अच्छी मिल जाती है। मुझे ये बात वैसे कहां से हुई, ये बात जब मैंने साथी से मिला हुआ उनसे बंदे आ गए, अगर पैसा हाथ में हो तो सकल कैसी भी हो खुद की बीवी बड़ी खूबसूरत मिल जाती है। सर ये आदमी चीकट काला है, जो मेरी बेल्ट है ये भी बहन जो है ये भी समाज है, कितना काला है यार, ये फेशियल का आया सब, ये फेशियल का और क्रॉपिंग वॉपिंग कर रखी है इसने, इसकी बीवी आप देख लो बिल्कुल जो है ट्यूबलाइट लगती है। क्यों मर मिल गई इसको, हमको तो निकल पाई, हमको इसलिए मिल पाई कि हमारे इतना 15,000 रुपए, इसको इसलिए मिल गई क्योंकि इसके इतना 8 लाख रुपए मिले, 8 लाख रुपए महीने में ट्यूबलाइट भी सब मिल जाती है, मिल जाती है जिसको ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन जो है। मुनीश चोपड़ा एंड वाइफ पूजा चोपड़ा दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आज की तारीख में 8 से 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं। जितेंद्र जैन म्यूनिसिपल कमिश्नर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है मध्य प्रदेश ने, रिजाइन कर दिया, जॉब छोड़ दिया, मोदी के ज्वाइन किया, कमिश्नर बनने के बाद आप लोग स्टडी कर रहे हो, कमिश्नर बनने के बाद छोड़ दिया, ज्वाइन किया मोदी के, 10 से 15 लाख रुपए महीने कमाते हैं, अपनी मस्जिद चलते हैं। रणिता मेरी रोल मॉडल है, रणिता देवी नाम का है, मणिपुर की रहने वाली है और हाई स्कूल फेल है, न हिंदी आती है न इंग्लिश आती है, आज की तारीख में 16 लाख रुपए महीने है, 1.25 करोड़ की जयपाल से चलती है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू पीपल्स एंड दिस, पहली बात इनके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अभी तक अपॉर्चुनिटी ही नहीं, आप लोग सिर्फ पॉजिटिविटी के चक्कर में लगे हुए, हमारे दिखाए तो हमारे दिखाए, आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी खुल गई, इनको अपॉर्चुनिटी मिली। जो एक बहुत पतली सी बारीक लाइन है वो ये है कि इसने अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, और शायद हमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं देख रहा था। अरे बोले बंदर तू कूदा नहीं, बोले
पूरा करा लिया, समझ में नहीं आ रहा था पता नहीं करूं कि ना करूं, कूदूं कि ना कूदूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उसका जवाब थोड़ा प्यारा जवाब था, उस जवाब को सुनिए। उस बंदे ने जो जवाब दिया था वो बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उसने कहा वे बंदर तो मेरा मूड निकला, अरे तुझे कूद जाना चाहिए था, अगर तू राजकुमार बनता तो बनता और नहीं बनता तो बंदर तो रहता ही रहता, अगर नहीं भी बनता राजकुमार तो बंदर तो बना ही रहता। सिंपल वही खेल है कि अगर आपको मोदी करके अपॉर्चुनिटी दिखाई गई है, इस मोदी करके अपॉर्चुनिटी से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो एक बार स्टार्ट करने में दिक्कत क्या सर, 2000 रुपए सामान ही तो लेना मोदी से, और इस सामान पे कंपनी 100% मनी बैक गारंटी देती है। कंपनी कहती है साबुन से नहाइए, अगर आपको साबुन से नहाने के बाद भी अच्छा नहीं लगे तो 25% यूज करने के बाद ये साबुन पूरा वापस कर दीजिए और अपने पूरे 30 रुपए वापस ले लीजिए। तो अगर यार 2000 रुपए का सामान लेके मोदी केयर से एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लगाए खड़ी है, तो एक बार झम से कूदने में क्या दिक्कत है, एक बार झम से कूद जाते हैं, अगर बन गए राजकुमार तो बन गए और नहीं बने तो बंदर तो नहीं, खो क्या रहे, नहाओगे तो ही है ना, लाओगे तो कहीं ना कहीं से है ही, क्यों ना मोदी केयर से लिया जाए। सुबह यार मोटी मोटी खिलाए लोग उसको अगर नहीं भी बिठाओगे तो जो वो तो बने ही रहोगे ना। अगर मैं लास्ट में टैगलाइन बोलू इसकी, तो एक टैगलाइन है अपनी दुकान बदलकर लोगों की दुकान बदलवानी। सिंपल सा काम करना, यू आर गोइंग टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी। आपको मोदी क्या अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने जा रही है कि आप मोदी करके ब्रांड एम्बेसडर बनिए, मोदी करके प्रोडक्ट्स को यूज करिए, यूज करने के बाद एक संतुष्ट ग्राहक बनिए और इसको ऐड करिए, बेचिए नहीं। आपको हम सेल्समैन नहीं बना रहे, ध्यान दीजिए मेरी बात को, आपको हम सेल्समैन नहीं बना रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि जिन चीजों को आपने महसूस किया है उन चीजों को 4 लोगों से बताइए। मैंने अभी तक सेल्समैन ही नहीं करी आपके सामने, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट्स के विषय में आपको बताया, क्वालिटी बताई। वी आर गोइंग टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी, वी आर गोइंग टू कन्वेइंग द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बताएंगे। मैं बता दूं सर आपको, 9 सेक्टर में मोदी का काम करती है, तो क्वालिटी की बात कर देता हूं, 9 सेक्टर में मोदी का काम करती है। हमारे पास में होम केयर है, हमारे पास में पर्सनल केयर है, हमारे पास कॉस्मेटिक्स है, हमारे पास हेल्थ केयर है, हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास लॉन्ड्री केयर है, हमारे पास ऑटो केयर है, हमारे पास में 9 सेक्टर्स है। यानी कि जिसको जहां मर्जी हो, आपको लगता है मैं साबुन उससे नहीं मिल पाएगा, ओके कोई बात नहीं, आप हेल्थ केयर में काम करिए। आपको लगता है मैं किसान आदमी हूं, मेरे संपर्क में सिर्फ किसान है, गांव से अच्छा रिलेशन है, आप एग्रीकल्चर में काम करिए। आपको लगता है मेरी भाभी का ब्यूटी पार्लर है, आप भाभी को कॉस्मेटिक दीजिए, भाभी कॉस्मेटिक में काम करेंगे। आपको लगता है मेरे भैया डॉक्टर है, उनको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दीजिए, वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे काम करेंगे। हमारे पास में 9 सेक्टर्स है, एक ऐसी कंपनी है जहां पर कोई भी आदमी अगर जुड़ जाता है और सिर्फ 1 से 2 साल समय दे दीजिए, जस्ट वी नीड योर 1 to 2 years, 1 से 2 साल समय दीजिए, 1 से 2 साल पैसे मत देखिए, आप बिलीव नहीं कर सकते आप कहां जाने वाले। और खोने के लिए क्या, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, मैंने आपसे नहीं कहा 10,000 का प्रोडक्ट लीजिए, मैंने आपसे ये नहीं कहा सर आपको 1,000 का ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी, मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि 1 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी, मैंने आपसे कहा सिंपल अपने KYC अपलोड कर दीजिए अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने लैपटॉप से, और उसके बाद में आप अगर मोदी के सामान परचेस करने आओगे मैं आपको 20% डिस्काउंट प्रोवाइड दूंगा, मैं आपके 2000 फ्री पे 200 रुपए के फ्री प्रोवाइड भी दूंगा, मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपका महीना पूरा होने के बाद में आपके घर में आपके द्वारा खरीदे गए सामान का 3.5% पहुंच जाएगा। नुकसान क्या है, हाँ एक बहुत अच्छा और आइडिया है, एक अच्छा लग गया, इसके अलावा एक और बेनिफिट, आपको खरीदी परचेजिंग करते हो साबुन तेल मंजन पेंटेस तो लाते ही होगे ना, अगर किसी दुकान से लाते हो 6 महीने खरीदारी करते हो क्या 7वें महीने को आदमी आपको सामान फ्री दे देगा, 6 महीने किसी का कपड़े सिलवाते हो 7वें महीने कपड़े फ्री से देगा, कोई नियम नहीं है। लेकिन मोदी का ये कहता है कि कोई भी आदमी अगर 2500 रुपए मिनिमम का सामान हमारे यहां से परचेज करता है फॉर 6 मंथ 6 महीने के लिए, तो 7th month हम उसको 2500 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब बताइए इसके बाद क्या बच जाता है, बताओ
सब कुछ तो दे दिया। अगर आप 6 महीने मोदी केयर से जुड़े हुए हैं और अपने घर की परचेजिंग मोदी केयर से करते हैं तो हम आपको 7वें महीने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सामान दे देंगे। आप किसी महिला भाभी को बता कर देखिए कि भाभी 6 महीने का सामान यहां से लीजिए, 7वें महीने फ्री, तो 7वें महीने बाकी 3000 रुपए बचेंगे ना, उस 3000 भाभी अपने लिए सारे लेंगे, वो 3000 रुपए बचेंगे तो भाभी अपने बच्चों के लिए ड्रेस ले आएंगे, वो 3000 रुपए बचेंगे तो अपने हस्बैंड के लिए कोई खरीद ले आएंगे। सर देखिए मुस्कुराइए, मुस्कुरा के बताइए लोगों को। वैसे ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, हमारे ओनर जो समीर मोदी जी, उनका एक ही मकसद है, भारत को आर्थिक आजाद दिलाना, आर्थिक रूप से आजाद बनाना। हम मानसिक रूप से आजाद तो हो गए, मानसिक क्या शारीरिक रूप से आजाद हो गए, लेकिन ना तो मानसिक रूप से आजाद हो पाए हैं ना आर्थिक रूप से आजाद हो पाए। यही कारण है कि भारत जब गुलाम था तब भी दुखी था और भारत आज भी उतना ही दुखी है जितना दुखी पहले था, क्योंकि हमारे पास खर्चे होते हैं एक रुपए और हमारे जेब में रुपये नहीं। सर कमाइए, अंधा खुद पैसा कमाइए। क्या लगता है 130 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ की आबादी में अगर 10% लोगों तक पेस्ट पहुंच गया, 1% लोगों तक पेस्ट पहुंचाने में कामयाब हो गए, बाबू जी मोहल्ले में कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, इतनी बड़ी बिल्डिंग आपकी होगी। मैं बता रहा हूँ शहर जवाब, मोहल्ले की कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी जितनी बड़ी बिल्डिंग आपकी होगी, उन्नाव में ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी जो गाड़ी चला रहे हो। आप इस गाड़ी को करना क्या है, सिर्फ डब्बा खोलना है। हम करते क्या है, डब्बा ही नहीं खोल, डब्बा खोलते कहां पर है, योगी बड़ा गलत कर रहा है। मोदी को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे से ऐसे कर देते तो सही होता। ये कोहली जो उठा के मारा है ना, उठा के नमा के क्लिक कर देता, तुम्हारे पास ये गलती तो तुम ही चले जाते हो वहां पर, तुम वहां नहीं गए हो। इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है तभी तुम वहां नहीं गए। हम मोदी के काम में टांग लगाते हैं, हम योगी के काम में टांग लगा देते हैं, हम कोहली और महेंद्र धोनी उनके कामों में टांग लगा देते हैं, अपने काम में टांग नहीं घुसते जहां में घुसनी चाहिए। सही कह रहा हूं, किसकी पिक्चर पिट गई, किसकी पिक्चर हिट हो गई, अरे तुम्हें क्या लेना देना है, तुम तो पिटे जा रहे हो, अपने पिटे को संभालो। सलमान खान बेकार हो गया, शाहरुख खान अच्छा निकल गया, हू केयर्स फॉर दैट यार। मैक्सिमम समय हम किस पे बात करते हैं, या तो लोगों के संबंध में बात करते हैं और या चीजों के संबंध में बात करते हैं। और या तो हम लोग चीजों के संबंध में बात करते हैं, वो मोबाइल, वो घड़ी, वो कार, वो बंगला, चीजों के संबंध में, या फिर वो आदमी। अगर आप लोगों और चीजों के संबंध में बात करते हैं तो यू आर द वर्स्ट फेलियर पर्सन ऑफ द सेंचुरी, आप सबसे बेकार आदमी हो इस दुनिया में। सभी सभी आपको बात किस पे करनी चाहिए, अपने विषय। आपका प्रॉफिट क्या है, ट्यूबलाइट पिट गई पिट जाते हो, भाई तुम्हारे पास क्या जा रहा है यार, मेरे पास क्या जा रहा है भाई, ट्यूबलाइट पिट गई पिट गई, हिट हो गई तो हिट हो गई, बजरंग की वजह हिट हो गई हिट हो गई। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, मुझे उस कप में चैंपियन हो मिली क्या, लेकिन मैंने अपने 8 घंटे खराब किए। उस 8 घंटों में मैं 800 रुपए भी पैदा कर सकता, उस 8 घंटों में मैं अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदने वाले पैसे पैदा कर सकता, लेकिन मैं वहां चिपका रहा इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैच। 11 आदमी जो खेल रहे हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2 आदमी जो बैटिंग कर रहे हैं, 2 आदमी जो एम्पायर है, उन 15 आदमियों को आप देख रहे हो और आपने 10 सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर आपके 9 बजे तक का 12 घंटे आपका क्या सर मिला, जैन जी क्या मिला आप मुझे बताए क्या मिला, कुछ नहीं। इसका फायदा किसको हो रहा है, उन्हीं 15 लोग। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप सब युवा है सब, ये हमारा गृहस्थ आश्रम है, 20 के बाद से गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता है, 20 से लेकर 60 तक इतना कमाओ कि हर चीज सस्ती लगने लगे, चाहे वो सामान हो चाहे सम्मान हो, सम्मान भी आसानी से मिले और सामान भी आसानी से मिले, इतना कमाइए, कमाने का कोई मौका मत छोड़िए। आज के बाद से आपके सामने जो भी आदमी आया है और वो सांस ले रहा है और वो आदमी पर डे पेस्ट करता है, पर डे नहाता है, कपड़े धुले पहनता है, सेविंग करता है, बालों में तेल लगाता है, तो उसके सामने हम मोदी की चर्चा करेंगे ही करेंगे। और अगर हमने मोदी की चर्चा शुरू कर दी, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 1 लेकिन मरियो ऐसा आएगा जो 70 लाख से लगेगा, 7000 लोग आपसे पेस्ट खरीदना शुरू कर देंगे, 7000 लोग पेस्ट खरीदना शुरू कर देंगे तो रुपया 4 लाख घर में आने लगे, बाबू जी घर की सारी काली खुल जाएगी। पैसा सिर्फ उसके नेटवर्क से आ सकता है, बाकी नौकरी करके और छोटी छोटी दुकानें चला के इनसे सिर्फ और सिर्फ जो है घर की जरूरत पूरी हो सकती है।
84 लाख यूनियों में जन्म लेने के बाद में हम इस संसार में जरूरतें पूरी करने और कटने के लिए नहीं आए। इस 84 लाख यूनियों में जन्म लेने के बाद में हम अपने सपनों को पूरा करने आए हैं, अपनों के सपने पूरा करने के लिए। उम्मीद है, संपत्ति को भी आपसे उम्मीद है, आपके बच्चों को आपसे उम्मीद है, आपके पेरेंट्स को आपसे उम्मीद है। क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, बुढ़ापन में काम कर गया कहां पहुंचा दोगे परिवार, क्या दे पाओगे मां बाप? अगर मां बाप ने बोल दिया सर मुझे कौन सा कौन सर है जाना, मुझे हेलीकॉप्टर से 1 लाख रुपए खर्चा है, कहां से दोगे बेटा? 1 लाख रुपए उनके पास नहीं होंगे, कहां से दोगे? और अगर नहीं दे पाए तो फायदा क्या आदमी जन्म मिलेगा? जो आदमी अपने मां बाप के सपने ना पूरे कर सके उसे फायदा क्या जन्म मिलेगा? क्या मतलब बना इसका ऐसी जिंदगी? प्रयास तो करिए, आज करवा चौथ है वो भूखी कैसी आपके घर में बैठी हुई है, आपके पास क्या व्यवस्था है? ऐसा नहीं सर आपके पास मन नहीं, मन तो है, चाहते भी हो, क्या करोगे, क्या करोगे, कहां से लाओगे? आइए फाइनेंशियल फ्रीडम में आइए, और फाइनेंशियल फ्रीडम में आने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता फोकट में मिलता है, फोकट में सब नहीं मिलता है। ये 2 लाख रुपए ऐसे आराम से लिख दिया मैंने, खट खट 2 लाख आ जाएंगे, 2 लाख रुपए आराम से नहीं, पेन को लेना पड़े, पेन को लेना पड़े। 3 चीजें मैंने जिंदगी में सीखी थी, 2013 का ध्यान की 29 जनवरी 2013 को एक संत आए मेरी जिंदगी में और 3 बातें उन्होंने बोली, और 3 बातें उन्होंने जो बोली वो मेरे दिमाग में अंदर घुस गई और उन 3 बातों ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह पलट दिया, पूरे जिंदगी यू टर्न मार दिया, ड्रास्टिक चेंज था वो। बातें मैं सबसे बोलता हूँ, आपसे बोलूंगा। नंबर 1, जिंदगी में अगर वो चाहिए जो आपको अच्छा लगता है तो आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा नहीं लगता। जिंदगी में अगर आपको वो चाहिए जो आपको अच्छा लगता है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। इतनी गर्मी में पसीने से लगभग मेरा मन नहीं है, मैं आपको टेढ़ी हूं, मेरा गला सूख रहा है, लेकिन अगर मुझे मस्जिद खरीदनी है 2019 3 मार्च को तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, अगर आप वो कर रहे हैं जो करते चले आ रहे हैं तो जिंदगी आपको वही देगी जो देती चली आ रही है। जैसा सा अगर आप वो कर रहे हैं जो करते चले आ रहे हैं तो जिंदगी आपको वही देगी जो देती चली आ रही है। अगर आप रहमान में आज HR मैनेजर हैं और आपकी जो भी सैलरी, आई डोंट नो व्हाट इज योर सैलरी, आज से 10 साल बाद आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी लेकिन सब महंगाई बढ़ जाएगी, आपकी स्थिति वही रहेगी, आपकी स्थिति वही रहेगी। अप डाउन, अप डाउन, आइए अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नंबर 3 बात, ये बड़ी तब बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, या मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको हर उस आदमी से मिलना पड़ेगा जो आपसे मिलना नहीं चाहता, हर उस आदमी से मिलना पड़ेगा जो आपसे मिलना नहीं चाहता और उससे वो बात करनी पड़ेगी जो आपसे करना नहीं चाहता। मुझे क्या, मेरा बिजनेस है, आपका बिजनेस नहीं है, आपका इंटरेस्ट सिर्फ नाने और धोने में, लेकिन मैं आपसे मिलूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा, आपको एंटरटेन करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आपका बात मतलब क्या होगा कि यार इसको छोड़ के कोई और बात कर लेगा, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ के कोई और बात करूंगा तो क्या करना चाहूंगा कि मैं अपनी बीवी को सभी लेके दे पाऊंगा, क्या मैं अपने बच्चों की फीस जमा कर पाऊंगा इसको छोड़ के दूसरी बात करूंगा, क्या मैं अगर दूसरी बात करूंगा तो अपने फादर को एयरपोर्ट भेज पाऊंगा, अपने फादर को 4 धाम के यात्रा में भेज पाऊंगा, क्या अगर मैं ये करूंगा तो मैं अपनी बेटी को इम्पैक्ट करा पाऊंगा, क्या अगर मैं और बात करूंगा तो मैं अपने लिए मस्जिद ला पाऊंगा, क्या अगर मैं और बात करूंगा तो अपने परिवार को वर्ल्ड टूर पे लेके जा पाऊंगा, अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा और बात करने से, और बातें क्यों करूंगा, मैं तो वही बात करूंगा ना जिस बात में मेरा फायदा। फिर वही बात कि मोदी का मेरा सक्सेस होना है तो आपको हर उस आदमी से मिलना पड़ेगा जो आपसे मिलना नहीं चाहता और उससे वो बात करनी पड़ेगी जो आपसे करना नहीं चाहता। प्रियोरिटी में रखना पड़ेगा सर आपको, ये जो मैंने बातें बोली है आपकी प्रियोरिटी में है कि नहीं, इनमें से कौन सी चीज आपको अच्छी लगती, आपके पेरेंट्स यूज करना चाहते हैं, से यस और नो, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यस, इतने सीरियस बोलोगे तो उतने ही दिन से यस मिलेगा, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो से यस फॉर मॉडिकेयर, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है।
या तो आप मुझे करेंगे और एक नेटवर्क बिल्डअप करेंगे और नेटवर्क बिल्डअप करके आप आने वाले कल के बादशाह होंगे, अपने घर के हीरो होंगे। करना क्या है, कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं कुछ 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 गड़बड़ दिखाई पड़ा, कुछ कुछ फोर्जरी सी हो रही है, कुछ चप्पेबाजी हो रही है, कुछ पैसे को मिसयूज करा जा रहा है, कुछ बरगलाया जा रहा है, कुछ एडवर्टाइज किया जा रहा है, एक आप आते हैं मेरे पास में, आपने पेस्ट मुझे दे दीजिए। मैंने कहा सर 55 रुपए आप दे दीजिए, आपने मुझे 55 रुपए दिए, मैंने आपको पेस्ट दिया, मैंने आपसे कहा इस पेस्ट को यूज करिए, 3 दिन यूज करना, अगर समझ में आ जाए तो रख लेना, नहीं समझ में आए तो खुला वापस कर देना, आपके 55 रुपए वापस ले लेना। यहां तक आपको कहीं लगा कुछ 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 गड़बड़, बस इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। एक आदमी ने निर्मा कंपनी की स्थापना करी 40 साल पहले, कसन भाई पटेल, साइकिल पर रख के निर्मा बेचते थे, साइकिल पर रख के निर्मा बेचते थे। 40 साल के अंदर वो आदमी खरबपति आदमी हो गया। जिस आदमी ने इंडिया में डीलरशिप ली निर्मा की, वो आदमी करोड़पति हो गया। जिस आदमी ने यूपी में डीलरशिप ली निर्मा की, वो आदमी करोड़पति हो गया। जिस आदमी ने उन्नाव में लिया, वो भी 50 लाख से ऊपर हो गया। जो आदमी आपका रिटेलर था जहां से आप निर्मा लेके आते थे, वो भी आदमी 10 से 15 लाख रुपए कमा चुका है। लेकिन आप देखो अपने आप को, निर्मा से तब भी धो रहे थे, निर्मा से आप भी धो रहे हो, निर्मा से आगे भी धोते रहोगे, तुम्हारी धोती ही रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा। हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं। अगर वही आदमी वॉस्पेट पॉपुलर से वही आदमी अगर वॉस्पेट पॉपुलर से अपने कपड़े धोता है, तो एक बार अपने घर के लिए लेके गया, उसको अच्छा लगा, उसने अपने 4 से 10 लोगों से ये बात बता दी कि भाई इससे कपड़े धोया। उन 4 से 10 लोगों ने कपड़े धोना शुरू किया, इससे उनको अच्छा लगा, उन्होंने 4 से 10 लोगों को बता दिया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने 4 से 10 लोगों को बता दिया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने 10 से 10 लोगों को बता दिया। इस तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया और आप बन गए वॉस्पेट पॉपुलर के कसन भाई पटेल। आप ही तो बन गए ना, ये नेटवर्क आपसे शुरू हुआ, आप बन गए वॉस्पेट पॉपुलर के कसन भाई पटेल और आप हो गए कर्ण। यहां पर जहां से आप शुरू हो रहे हो, पूरा नेटवर्क आपसे शुरू हो रहा है। समीर मोदी जी ने 98% काम खुद करके दे दिया। प्रोडक्ट की पैकिंग आपको नहीं करानी, प्रोडक्ट नहीं बनाना, प्रोडक्ट नहीं पहुंचाना है, इसका हिसाब किताब लेखा जोखा वो रख रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी उनकी है, पेमेंट डालना पेमेंट निकालना सब उनका काम है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ जो है मुंह खोलना है, बेचना भी नहीं। महेंद्र ने सुरेंद्र से कहा कि यार कौन सा डीओ यूज करते हो यार, उसने कहा फॉग, फॉग चल रहा है, आपने कहा फॉग यूज कर रहे हो, फॉग पे एल्कोहल बहुत ज्यादा होता है, ये एल्कोहल हमारी स्किन को खराब कर देता है, व्हाई यू यूजिंग फॉग, बेटर है कि एक सेफ डीओ यूज करिए। मोदी का फर्स्ट मूवमेंट कहा मिलेगा, तो लेडीज वाला यार सुरेंद्र जो है उसने कहा सर ये कहां मिलेगा, महेंद्र ने कहा कि आवास विकास चले जाना, वहां पर दीपाली के नाम से मोदी का स्टोर है, वहां चले जाना। वो सुरेंद्र यहां आता है, कहता सर एक डीओ दे दीजिए मुझे, मैं कहता हूं सर ये पड़ेगा 180 रुपए का, वो कहता है मुझे महेंद्र ने भेजा है, मैं कहता हूं अब पड़ेगा 150 रुपए का, महेंद्र खुश होगा कि नाराज होगा, तुम्हारा जितना घटेगा नहीं घटेगा यार, महेंद्र बाबू का क्या चल रहा है यार, वहां गए महेंद्र बाबू का नाम से मिल दिया 30 रुपए के नाक से कम हो, लेकिन सर वो डीओ दे गया 150 रुपए में, वो खुश होकर दिया यहां से 180 की चीज 150 में मिलेगी महेंद्र के नाम से, लेकिन महेंद्र बाबू को 7-8 रुपए मिल गए सिर्फ। और इस तरह के मान लो 20 लोग आ गए, 140 रुपए पकड़ के मिल गए, नहीं मिल गए तो ना बेचने में ना खरीदने में ना देने में ना लेने में ना पॉलिथीन में किसी मतलब के नहीं। इन्होंने सब क्या किया, लोगों को उंगली दिखाई, सिर्फ उंगली दिखाने का व्यवस्था, और उसको पसंद आ गया तो एक बार लेगा, दो बार लेगा या बार बार लेगा। अच्छा बार बार लेगा क्या, हर बार महेंद्र से पूछने जाएगा कि महेंद्र भैया वो डीओ लेने जाऊंगी ना जाऊं, वो आएगा लेके चला जाएगा। और महेंद्र बाबू पास में ऑटोमेटिक 10 रुपए की एक आरडी खुल गई, जितने डीओ बिके उतने 10 रुपए महेंद्र बाबू खाते पहुंच गए। वो आदमी आया, उसको समझ में आया
वो एक बार आएगा बार बार आएगा वो जिंदगी भर आएगा और जिंदगी भर आता रहेगा और महेंद्र बाबू को हर महीने 200 रुपए लेके चला जाएगा। महेंद्र बाबू ने किया क्या था, सिर्फ उसको मूवी दिख रही। ये तो बात सबकी हो गई जब वो यूजर बना। अगर मान लो वो यूजर, अगर मान लो हो गया पर्याप्त चिंता ये तो पक्की बात है, वो यूजर बना और कहीं वो धोखे से बिजनेस में आ गया और उसने 2-4-10 लाख का धंधा कर दिया तो महेंद्र बाबू दोबारे डरे हो। आपको अगर 6 लोग घंटे मिल जाए ना, ये 6 लोग तो आपकी 7 पीढ़ियां सही हो जाए। मुझे अभी तक 4 लोग मिले, 5वां ये बनेगा अजय। अजय के लिए बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ये बदला बहुत अच्छा लगा। तो उसके पीछे का कोई रीजन है तो वो आ जाए। अगर आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके पीछे कोई जो स्ट्रॉन्ग रीजन होगा वो आ जाएगा। कहीं ना कहीं से इसके पीछे जो है अजय जिम्मेदार होता है। कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने पता नहीं कौन जिंदगी में कुछ दे जाता है, 30-40 हजार महीने में कमाता था, कहीं जिंदगी ठीक ठाक चली रही है, कट रही थी जी, चल रही थी कट रही थी, कोई तो आया हुआ जिसने मुझे समझाया हुआ जिसकी वजह से 1 लाख पहुंचा है। तो निश्चित रूप से वो आदमी मेरे लिए बड़ा गया होता जिंदगी। बैठो 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 बैठो